नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। ओके फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल रेलवे ग्रुप डी लोको पायलट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, पसंद आए तो इसे लाइक के लिए, और जो मेरे नए फ्रेंड्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड, तो आज का वीडियो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू खट्टा होता है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। ओके फ्रेंड्स, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाने वाला एक अम्ल होता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर मर जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किसमें होता है? आंवले में। जो विटामिन सी के जो पदार्थ होते हैं उनको गर्म करते तो उनका जो विटामिन वाला गुण होता है वो खत्म हो जाता है, मतलब उसके जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? वो है फॉर्मिक अम्ल। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? वो है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल खाना को ज़्यादा पकाने से नष्ट हो जाता है। अगला देखते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने करी थी। बेंटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। पॉलीथीन किसका बहुलक है? पॉलीथीन बहुलक होता है इथिलीन का। इथिलीन पॉलीथीन का बहुलक होता है। ओके फ्रेंड्स, पीएच का निर्धारण किस ने किया? सोरेंसन ने किया था पीएच का निर्धारण। ओके फ्रेंड्स, पीएच का निर्धारण सोरेंस ने करा था, सोरेंसन ने। अगला देखते हैं, मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? मनुष्य के शरीर में 65 से 80% तक जल होता है ह्यूमन बॉडी में। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, रानीखेत बीमारी संबंधित है? रानीखेत बीमारी किनसे संबंधित होती है? मुर्गियों से। ओके दोस्तों, मुर्गियों से संबंधित होती है रानीखेत बीमारी, और मुर्गियों से एक और बीमारी कौन से संबंधित होती है? बर्ड फ्लू। ओके, याद रखिएगा आप इन क्वेश्चनों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। ओके फ्रेंड्स, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। लैक्टोज शर्करा किसमें पाई जाती है? दूध में। ओके फ्रेंड्स, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा के साथ। वसा के साथ कास्टिक सोडा उबालकर क्या तैयार किया जाता है? साबुन। ओके फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को कौन नष्ट करते हैं? एंटीबायोटिक्स। ओके फ्रेंड्स, सामान्य आग के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंतक होता है, मतलब जो दूर का बिंदु होता है सामान्य आग, जिस मतलब जिसके पावर से होता है, जिसका कोई चश्मा वश्मा नहीं लगा है, उसके लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंतक। ओके फ्रेंड्स, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। दोस्तों, कोबाल्ट 60 से मेरे को एक बात याद आ रही, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, आप याद रखिएगा। जैसे मेरे को कुछ क्लू मिल जाता है तो मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी देता रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? वो होता है अम्लीय माध्यम से। अम्लीय माध्यम से होता है अमाशय में भोजन का पाचन। ओके फ्रेंड्स, रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा में होता है? वो है 55%। रक्त का कितना भाग प्लाज्मा में होता है? 55% भाग प्लाज्मा में होता है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? वो होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में रहता है कवक में संचित भोजन। ओके फ्रेंड्स, सिक्का किस धातु का बना होता है? सिक्का जो होता है वो किस धातु का बना होता है? तांबा एवं टीन का बना होता है। तांबा एवं टीन का बना होता है सिक्का। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।